नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज फिर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। कई दिनों से सुशांत को लेकर लगातार ऐसी अपडेट्स आ रही हैं जिन पर हम चर्चा तो कर रहे हैं लेकिन उनको न्याय मिले इस पर भी बातचीत कर रहे हैं। और लगातार उनके फैंस जो ट्रेंडिंग हैशटैग्स चलाते हैं ट्विटर पर हर रोज उस पर भी हम चर्चा करते हैं। आज फिर एक और ट्रेंडिंग हैशटैग चला है जिस पर हम बात करने वाले हैं। वो हैशटैग है जस्टिस विल प्रिवेल फॉर SSR। सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए फिर से सवाल उठा है, फिर से लोगों की गुहार लगी है। उन फैंस के ऐसे कमेंट्स हैं, उन पर हम बात करेंगे कि क्या कमेंट्स करके वो सुशांत को न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं रजनी मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। तो सबसे पहले देखिए मैम, कई ऐसे कमेंट्स हैं हमारे पास ट्रेंडिंग हैशटैग्स के साथ जिसमें सुशांत को न्याय दिलाने की कोशिश की गई है, गुहार की गई है। क्या कमेंट्स हैं उन पर मैं चर्चा करूंगी, बात करूंगी। पहले मैं आपको पहला कमेंट जो है वो पढ़कर बताना चाहूंगी। खुशी कहती है, डोंट फॉरगेट सुशांत विद अ मिडिल क्लास मैन लाइक अस व्हेन ही वॉज बोर्न एंड देन बीइंग द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म स्टार ऑफ बॉलीवुड। इस तरह से बात की गई बॉलीवुड के फिल्म स्टार की। एक मिडिल क्लास का लड़का जब वहाँ पर जाता है तो उसके साथ क्या हुआ, इस तरह से वो इस कमेंट से सुशांत की जब बात करती हैं। आप देखिए क्या उनकी सुबह ही सुशांत को लेकर हुई, जब उन्होंने सबसे पहली जो कमेंट किया सुशांत को लेकर, क्या आप उसकी राय जो कमेंट सेक्शन है तो उस पर आपकी क्या राय है? साक्षी, इस पर मेरी यही राय है कि यहाँ पर अब बहुत जल्द 14 जून की तारीख आने वाली जी, है जी, जी। और 14 जून को एक बार फिर से वही काला दिन यानी कि ब्लैक डे कहलाया जाएगा। बिल्कुल, जब सुशांत सिंह राजपूत ने दुनिया को अलविदा कहा था 14 जून 2020, ये तारीख फिर से दोहराई जाएगी। लेकिन दो साल हो चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिल रहा। अब एक बार फिर से 14 जून की तारीख आ रही है तो फैंस धीरे धीरे जाग रहे हैं, धीरे धीरे कॉमेंट्स कर रहे हैं और सुशांत को याद कर रहे हैं, सुशांत के लिए हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं और यहाँ पर लगातार सुशांत के मुद्दे को लेकर उठाने की बात कर रहे हैं, आवाज उठाने की बात कर रहे हैं, ताकि सुशांत को भले ही इतने वक्त के बाद इंसाफ नहीं मिला लेकिन वो इंसाफ चाहते हैं। कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, तो यही उम्मीद अभी फैंस को भी है CBI की टीम से कि भले ही सुशांत के मामले में देरी हो चुकी है लेकिन उन्हें अभी भी एक उम्मीद है कि यहाँ पर सुशांत के मामले में उन्हें इंसाफ मिलेगा। और इसीलिए यहाँ पर इस तरीके की बात सुशांत को लेकर हो रही है कि भाई सुशांत भी एक गरीब परिवार से आया था और उसका फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, आके उसने वो सुपरस्टार बना, पहले टीवी टाउन की दुनिया पर उसने राज करा, बिना किसी बड़े बॉलीवुड स्टार के सपोर्ट के बिना उसने अपनी फिल्म हिट की। बिल्कुल, बॉलीवुड इंडस्ट्री में उसने अपने नाम कमाया 34 साल की उम्र में सुशांत ने इतना कुछ अचीव कर लिया था साक्षी, जो अभी तक शायद शाहरुख खान और सलमान खान ने भी नहीं किया। यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड इंडस्ट्री का वो एक्टर है जिसने चांद पर भी जमीन खरीदी जी जी, और यहाँ पर ऐसा कोई भी एक्टर नहीं है जिसने ऐसा कुछ किया हो। यहाँ पर अगर सुशांत के नेचर की बात की जाए तो वो जमीन से जुड़ा हुआ इंसान था, उसका व्यवहार बहुत अच्छा था, कोई भी अगर उसको बीच सड़क पर मिलता था सेल्फी क्लिक करवाने के लिए तो बड़े ही प्यार से वो सेल्फी क्लिक करता था। लेकिन अगर आप किसी और स्टार को देखोगे तो वो उनके तरफ देखना तो छोड़ो, उनसे बात करना तक पसंद नहीं करते। वैसे कई सारे स्टार्स हैं तो इससे पता चलता है कि लोग यहाँ पर सुशांत से जुड़ी वो बातें बताना चाहते हैं लोगों को कि सुशांत अच्छा इंसान था लेकिन उसके साथ जो 14 जून 2020 को हुआ वो गलत हुआ, उस पर इंसाफ दो। बिल्कुल, उस पर इंसाफ हो। और इस तरह से कमेंट करके फैंस जो है वो लगातार हर दिन हर सुबह गुहार लगाते हैं। आप देखिए ट्विटर पर ट्रेंडिंग हैशटैग चलाते हैं और कम से कम 70,000 जो ट्वीट्स हैं वहाँ हमें देखने को मिलते हैं, लगातार इस तरह के कमेंट्स आए हुए हैं। इस बीच एक और कमेंट है, अल्केश अमीन है जो रिहा चक्रवर्ती के लिए कमेंट करते हैं कि वाई CBI कांट अरेस्ट एक्यूज्ड नंबर वन रिहा चक्रवर्ती एंड रिवील ट्रुथ। और इस तरह से बात करते हैं CBI को लेकर कि जब रिया चक्रवर्ती सबसे पहले नंबर पर आती हैं सुशांत के निधन के केस को लेकर और जब उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं तो क्यों उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया, सच्चाई को क्यों रिवील नहीं कर रहा, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? साक्षी, इस पर मैं यही कहूंगी कि ये बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर फैंस ने जो बात की है रिया चक्रवर्ती के लिए वो बिल्कुल ठीक की है। रिया चक्रवर्ती सुशांत के मामले में सिर्फ ड्रग केस में आरोपी नहीं पाई गई थी बल्कि सुशांत का जो निधन हुआ उस मामले में भी वो शक के दायरे में है। और जब कोई इंसान ऐसे मर्डर के केस में शक के दायरे में होता है तो उससे पूछताछ की जानी चाहिए, ये जरूरी है। यहाँ पर NCB ने उसे अरेस्ट किया, उससे पूछताछ की, एक महीने तक जेल में रखा, उसके बाद उसे जमानत मिल गई। वो अपने करियर को अब फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, मूव ऑन कर रही है। और ऐसे में अब CBI
जानती है कि रिया चक्रवर्ती का झगड़ा 8 जून को सुशांत से हुआ था जी। रिया चक्रवर्ती के सामने 8 हार्ड डिस्क डिलीट करवाई गई थी और इसके बाद यहाँ पर क्या कुछ हुआ था सुशांत और रिया चक्रवर्ती के बीच और रिया चक्रवर्ती को लेकर जितनी भी खबरें सोशल मीडिया पर आई थी सुशांत के निधन के बाद, जहाँ पर बताया जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती सुशांत पर कंट्रोल करना चाहती थी, उसके पैसों पर ऐश कर रही थी और यहाँ पर फाइनली वो सिर्फ ये चाहती थी कि वो सिर्फ सुशांत का इस्तेमाल कर रही थी। जब सारी चीजें रिया चक्रवर्ती के खिलाफ है, रिया चक्रवर्ती से जुड़ी चीजें सामने आ रही है, लोग अपनी राय दे रहे हैं, यहाँ तक कि कई लोगों ने गवाही भी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ दी है, तो सीबीआई आखिर इंतजार किस बात का कर रही है? यहाँ पर शक के दायरे में अगर कोई इंसान है, अगर यही कोई नॉर्मल केस होता साक्षी, तो वहां पर अगर शक के दायरे में कोई नॉर्मल परिवार का भी बंदा होता तो पुलिस उससे भी पूछताछ करती, तो यहाँ तो बॉलीवुड एक्टर सुशांत की बात हो रही है। और यहाँ पर अगर सीबीआई चाहे तो इंसाफ दिलाने के लिए अगर शक के दायरे में रिया चक्रवर्ती आ रही है और रिया चक्रवर्ती का परिवार आ रहा है जिसने सुशांत को ड्रग्स देने की कोशिश की, पुलिस को बहकाने की कोशिश की, झूठे स्टेटमेंट दिए और कई सारी उनकी ड्रग्स की वीडियोस भी वायरल हुई थी, कई सारी रिकॉर्डिंग उनके सामने आई थी, तो इस बिना पर अब सीबीआई उन्हें भले ही अरेस्ट ना करे लेकिन रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ कर सकती है कि आखिर सच्चाई क्या है, उनसे जुड़े जो सबूत है, जो व्हाट्सएप चैट है वो निकाल सकती है, वो खंगाल सकती है, क्योंकि सीबीआई अगर चाहे तो वो कुछ भी जांच करके सच सामने ला सकती है। बिल्कुल सच सामने ला सकती है और सच जो है उन्होंने थोड़े समय पहले इस तरह की जांच पड़ताल की थी, थाने भी बुलाया था, लेकिन अब आप देखिए अब सीबीआई जो है कहीं ना कहीं इन मामलों में ठंडे पड़ चुकी है और उनको जो है उनसे इन्वेस्टिगेशन करना उन्होंने कम कर दिया है, इन्वेस्टिगेट नहीं हो रहा है कुछ भी मामला जिसकी वजह से इस तरह से गुहार लग रही है। और एक वही बात है कि सुशांत के केस के पीछे रिया चक्रवर्ती, और शायद कोई आम इंसान होता तो अब तक जेल में होता, लेकिन वो भी एक सुपरस्टार है जिसकी वजह से आज वो बिल्कुल खुलेआम घूम रही है और अब बॉलीवुड में उन्होंने फिर से अपना जो काम है वो स्टार्ट कर दिया है। लगातार मैं कमेंट्स देख पा रही हूँ, कई ऐसे फैंस हैं जो इस पर कमेंट्स कर रहे हैं और ऐसे कई कमेंट्स हैं जिन पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज़ इस पर हमने ये चर्चा की कि जो 14 जून है 2020 को जब सुशांत का निधन हुआ था और अब 2022 की 14 जून आने वाली है, 2 साल सुशांत के निधन को हो चुके हैं, केस अभी तक सुलझा नहीं है पर गुहार लगातार फैंस लगा रहे हैं। तो अब कोशिश कीजिए कि किस तरह से आप न्याय दिला सकते हैं सुशांत को, क्योंकि लगातार ट्रेंडिंग हैशटैग जो मैम हम देख रहे हैं कई दिनों से, तो आप उनके फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं आखिरी एक छोटा सा सवाल आपसे जानना चाहूँगी, सिर्फ सवाल नहीं एक राय ही है, जिस तरह से सुशांत के फैंस ट्रेंडिंग हैशटैग चलाकर सुशांत को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे वो इस मजबूती को कैसे बरकरार रख सकते हैं उसके बारे में बताइए। साक्षी, यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के लिए फैंस जिस तरीके से आगे आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि उनका परिवार भी सामने आए, वो भी अपने रिएक्शन से, क्योंकि परिवार यहाँ पर पूरी तरह से चुप होकर बैठ चुका है और जब तक परिवार कुछ बोलेगा नहीं तो यहाँ पर सीबीआई जांच करेगी नहीं। अब यहाँ पर सुशांत का एक बार फिर से 14 जून की वो तारीख आने वाली है जब सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ था। अब मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि अब इस हैशटैग को इतना ज्यादा ट्रेंड किया जाए या फिर हमारी जो ये वीडियो है इसे इतना वायरल किया जाए ताकि यहाँ पर सीबीआई मजबूर हो जाए कि उसे सवालों का जवाब देना पड़े। लगातार हर एक शख्स को, अब सोशल मीडिया हो चाहे फेसबुक हो, इंस्टा हो, कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट हो, वहां से उन्हें सवाल करना चाहिए सीबीआई से कि आखिर सीबीआई अभी तक चुप क्यों है, सीबीआई अभी तक सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही। सुशांत के जन्मदिन निकल गए और अब 14 जून की तारीख आ चुकी है, 2 साल हो चुके हैं, लेकिन सीबीआई की तरफ से सुशांत के मामले पर कोई अपडेट नहीं। अब सवाल यह है कि जब 14 जून की तारीख फिर से आएगी तो क्या सीबीआई यहाँ पर सुशांत के मामले पर जो जांच कर रही है उस पर कोई अपडेट देगी, या फिर इस बार वो ये कह देगी कि भैया जांच अभी भी जारी है, अभी तक कोई सबूत नहीं मिला, या फिर हो सकता है साक्षी यहाँ पर सीबीआई अब ये कह दे सवालों से तंग आकर कि भाई सुशांत के मामले में हमने जांच तो खूब की लेकिन कोई सबूत नहीं मिल पाया, तो हम यही कहेंगे कि भाई सुशांत के साथ जो 14 जून को हुआ वो सुशांत का फैसला था और केस को बंद कर दिया जाए। मतलब कई सारी चीजें यहाँ पर हो सकती है, लेकिन हमें यहाँ पर लगातार सवाल करने होंगे सुशांत के मामले को लेकर ताकि सुशांत को हम इंसाफ दिलवा सके और परिवार से भी सिर्फ एक गुहार है कि वो भले ही यहाँ पर
कुछ ना बोले, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के लिए वो जरूर इंसाफ मांगे। बिल्कुल इंसाफ मांगते रहें, क्योंकि जहां आप चुप हुए वो केस जिस तरह से अभी ठंडा पड़ रहा है, कहीं ना कहीं इसकी फाइल भी क्लोज्ड हो जाएगी। तो हमें अपनी आवाज को उठाकर रखना पड़ेगा, अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, जिससे जल्द से जल्द सुशांत सिंह राजपूत के ये 2 साल पूरे होने से पहले, निधन के 2 साल पूरे होने से पहले उनको इंसाफ जरूर मिले। ऐसी और अपडेट हम लगातार आपके सामने लाते रहेंगे, उसके लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।